अगर आप रिटायर होने वाले हैं और आपको पेंशन बहुत कम मिलेगी, लेकिन आपके पास फंड्स हैं और प्रॉपर्टी है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी लाभदायक होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहां पर पेंशन बहुत कम है या पेंशन नहीं है, जिसमें से ईपीएफओ द्वारा जो पेंशन दी जाती है वो भी काफी कम होने की वजह से लोगों का बुढ़ापे में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर द्वारा कमेंट किया गया था कि मेरी 85 साल की एज है, मैं अकेला रह रहा हूँ, मेरी 1,000 की मिनिमम पेंशन है और मैं क्या करूँ। ऐसी स्थिति में हमें मालूम है कि ना तो ईपीएफओ 1,000 से ऊपर पेंशन बढ़ाएगा और ना ही इस स्थिति में वो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके पास एक ही कुछ ऑप्शंस होती हैं कि यदि उनके पास कोई प्रॉपर्टी है उसको रिवर्स मॉर्गेज कर लें, लेकिन काफी लोग प्रॉपर्टी से इमोशनली अटैच्ड होते हैं, इसलिए वो रिवर्स मॉर्गेज भी नहीं करना चाहते। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये होता है कि यदि वो प्रॉपर्टी बेच करके और कोई छोटी प्रॉपर्टी ले लें, और साथ में उनके पास कुछ रेडीली कैश भी अवेलेबल होगा, जो कि उनके दोस्तों अक्सर जब आदमी रिटायरमेंट की एज पे पहुंचता है तो उसको ये सामने आता है कि अचानक जो उसके एम्प्लॉयमेंट की जो सैलरी है वो बंद होने के बाद वो अपना गुजारा कैसे करें। तो ऐसी स्थिति में उनको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी जिसमें कि 3-4 स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो उनके पास क्या क्या फंड्स मिलेंगे, उनके प्रोविडेंट फंड में कितना होगा, ग्रेच्युटी में कितना आएगा, बाकी फंड्स कितने मिलेंगे। दूसरा, उनके पास कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी है, कोई खेत है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तीसरी ऑप्शन होती है कि उनके पास यदि कोई बैंक डिपॉजिट या शेयर है या कोई और लिक्विड एसेट है, उसको कैसे डिस्पोजल करें। चौथा, उनके पास ये होता है कि कोई प्रोविडेंट फंड में या कहीं और जगह पैसा जमा कर रखा है, तो वो कैसे डिस्पोजल करें पीपीएफ में यदि किया हो। दोस्तों, ये कई बार कई लोगों के साथ आ जाती है, और ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि जब मैं देहरादून में था तो मेरे पास एक ब्रांच में रिटायर्ड कर्नल आए और उन्होंने बताया कि मैं अब लगभग 80 साल का हो गया हूँ, मेरा बेटा फौज में कर्नल हो रहा है और वो अपने फैमिली को अपने साथ रखता है। मैंने यहाँ पर एक 500 मीटर की कोठी बना रखी है राजपुर रोड में और मैं वहाँ अकेला रहता हूँ। मेरे बच्चे पोते अपने पढ़ाई के लिए बाहर निकले हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ कभी ज्वाइन कर पाऊँ। तो मैं एज बैंकर होने के नाते उनको थोड़ा सा जो है काउंसलिंग भी करता रहा कि आप अपने फंड्स को कैसे यूटिलाइज करें, उनको यूज करें, और आपने जो ये प्रॉपर्टी है जो कि उस टाइम वैल्यूएशन उसकी 5 करोड़ के करीब, इस प्रॉपर्टी को भी डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करें। जब मैंने उनको इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की बात करी तो वो कहने लगे कि ये तो मैं और मेरी वाइफ ने बड़ी मिल करके बड़ी मेहनत से बनाया है और मेरा इमोशनल अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि मैं अपने जीते जी को इसको नहीं बेचू। लेकिन यहाँ पर मैं कर्नल साहब को गलत समझता हूँ। किसी भी प्रॉपर्टी के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी आदमी केवल और केवल जब उसको जरूरत होती है उसी के जीवन काल में काम आनी चाहिए, उसके लीगल हेयर के लिए, उनके बच्चों के लिए। वो अपने आप मत प्लान करें, वो उस उनकी जिम्मेदारी स्वयं होगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं 4-5 स्ट्रेटजीज बताना चाहूंगा कि आप रिटायरमेंट के बाद कैसे अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को मीट करें, कैसे आप अपने जिंदगी को जिए। दोस्तों, जब आदमी सर्विस में रहता है तो वो अपने जीवन में सब लग्जरीज एंजॉय करता है। कुछ ऐसी होती है कि जैसे फौज में है आदमी तो उसको फौज से भी कई फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन जब रिटायर हो जाता है उसके पास वो सारी फैसिलिटीज विड्रॉ कर दी जाती हैं और उनके लिए उसको स्वयं अपना खर्चा करना पड़ता है। तो उस खर्चे को
को मीट आउट करने के लिए सही ढंग से प्लान करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप ये है कि जितना भी आपके पास फंड्स हैं उनको इंटैक्ट अपने पास रखिए, अपने कस्टडी में रखिए और अपने आप ही इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए ताकि आपको उसमें से कुछ फंड्स मिलते रहें और कुछ ग्रो भी होते रहें। कभी भी अपने प्रोविडेंट फंड से ग्रेच्युटी के जो मिला हुआ पैसा है उसको किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें, ना ही अपने फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। दूसरा स्टेप है कि आप जो प्रॉपर्टी है, चाहे एसेट हो चाहे आपने अपनी मेहनत से बनाई हो, उसके साथ बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट। यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी पॉश कॉलोनी में बहुत बड़ा मकान बना रखा है और रिटायरमेंट के बाद वो स्वयं वहां पर रहता है, तो उसकी तो ना तो कोई रेंटल इनकम होगी ना उसके पास कोई उससे इनकम होगी। उस केस में वो डिसाइड कर सकता है कि इस मकान को बेच करके किसी छोटे मकान में चले जाए और उसके पास जो लिक्विड अवेलेबल होगा वो उसके जीवन के बाकी खर्चों को मीट करने के लिए काम आएगा। तीसरा स्टेप है, जब कभी आदमी रिटायरमेंट के बाद उसके पास जो भी फंड्स होते हैं उनमें से कुछ फंड्स अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए रखें और कुछ सोसाइटी के लिए, चैरिटी के लिए भी दें, क्योंकि जो हमने सोसाइटी से जीवन पर्यंत लिया है उस सोसाइटी को वापस भी करना चाहिए। चौथा स्टेप यह है कि जब कभी भी आपकी एज बढ़ती जा रही है तो आप अपने बिल बना दीजिएगा, आपने चाहे वो रजिस्टर्ड विल बनाइए चाहे नॉर्मल विल बनाए, हो सके तो रजिस्टर्ड विल बनाए ताकि आपके फैमिली मेंबर्स में कोई किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी से, अपने संपत्ति से, अपने फंड से कहीं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, किसी को रेगुलर बेसिस पे देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपने वसीयत में सही ढंग से लिख दें। पांचवा स्टेप होगा कि जब कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं या उसमें रिवर्स मॉर्गेज कराना चाहते हैं, यद्यपि मैं रिवर्स मॉर्गेज के बजाय बेचना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि रिवर्स मॉर्गेज में बैंक या जो भी इंस्टीट्यूशन रिवर्स मॉर्गेज करता है वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट इतना बड़ा होता है कि वो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी वही इंस्टीट्यूट डिस्पोज ऑफ करेगा। तो रिवर्स मॉर्गेज के बजाय उस प्रॉपर्टी को किसी न किसी ढंग से डिस्पोज ऑफ करके, और छोटी प्रॉपर्टी जिसको कि आप मैनेज कर सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप उस फंड को किसी भी ओल्ड एज होम में डिपॉजिट करा दीजिएगा जहाँ पर आपको पूरी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आप अपना रिटायरमेंट के बाद निर्णय लें और हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपने जीवन पर्यंत संपत्ति या जो भी प्रॉपर्टी आपने क्रिएट की है वो सबसे पहले उसका फल आप स्वयं भोगें, और फिर जो भी बच जाता है वो लीगल हेयर या किसी चैरिटी को या किसी को दें। आज के इस वीडियो में मुझे यही बताना था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करें और नए नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो अपने कमेंट में लिखें। जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।